अपन दृष्टि क्या है, क्यों आपको सपनों से सब कुछ दिखने लग जाता है, कैसे ये स्वप्न दृष्टि मिलती है, क्या होती है और कैसे इसका आप सपनों का प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे इनका लाभ उठा सकते हैं, तो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। आपने सुना होगा कि कई व्यक्ति सपना देखते हैं और अगले दिन वो उनके साथ जीवन में वही चीज व्यतीत होती है, जैसे उन्हें लगता है कि मैं यहाँ यहाँ घूम के आया हूँ, इस गाड़ी में घूमा था, इस बाइक पे गया था, इस मोहल्ले में गया था, इस मंदिर में गया था, इन गलियों में खड़ा था, इस गली में कौन कौन व्यक्ति उसे मिला, वो पहले ही एक दिन पहले ही दिख जाता है। ऐसा कभी कभी उनके साथ होता है और कभी कभी रेगुलर में ही उनको दिखता है, डेली दिखता है। तो ये पहले देख जानते हैं दिखता क्यों है। जब कोई व्यक्ति कोई पाठ करता है, जैसे आजकल आप देखते हो कई घरों में जो लेडीज हैं वो कोई ना कोई पाठ करती हैं, जब वो इस तरह के कोई पाठ कर रहे होते हैं या कोई मंत्र जब कर रहे होते हैं, तो वो भगवान देखता है कि आपके साथ कई घटनाएं घटनी होती हैं, कोई अच्छी घटना होती है, कोई बुरी घटना होती है। तो वो आपके लिए कोई बुरी घटना है तो आप उसे टाल सको, या कोई अच्छी खबर है वो आपको पहले पता लगे, तो उस अपनी आपकी उस शक्ति को दर्शाने के लिए, हाँ कि आप सही ट्रैक पे हो, एक खुशी से आपको वो एक स्वप्न दृष्टि दे देते हैं, जिस वजह से आपको कुछ चीज़ें कुछ घटनाएं पहले होने से पहले ही आपको पता लग जाती हैं कि ये घटना होने वाली है। जैसे एक बार क्या हुआ कि व्यक्ति जो था कहीं घूमने जाने वाला था, लेकिन उसको पहले ही सपना आ गया कि जब मैं घूमने जाऊंगा तो इसका एक्सीडेंट होने वाला है कार का, तो उसने मना कर दिया, भी रहने दो, ये कैंसिल करो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी के व्यक्ति कहते नहीं हम जाएंगे, तो वो नहीं गया और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी गए थे उनको थोड़ा एक्सीडेंट हुआ छोटा, लेकिन उनको सभी को थोड़ी थोड़ी चोट आ गई। तो ऐसे उसको पहले पता लग गया, वो बचाव कर लेगा। ऐसे ही कुछ घटनाओं को आप टाल सकते हैं, वो शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं स्वप्न दृष्टि में आके आपकी। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका तीसरा नेत्र खुला हो, आगे चक्र खुला हो, कोई जरूरी नहीं। स्वप्न दृष्टि अलग से मिल जाती है, क्योंकि जो ये दृष्टियाँ होती हैं ये कई तरह की होती हैं, जैसे ध्यान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, त्रिकाल दृष्टि, तो बहुत सी दृष्टियाँ हैं। तो इसमें से जो आपको स्वप्न दृष्टि मिल जाती है, वो आपको बताया, आप कोई भी जाप करते हो, कोई भी पाठ करते हो, पूरे दिल से, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से जब करते हो, तो धीरे धीरे आपकी भीतर की ऊर्जा जब जागृत होने लगती है, तो वो शक्ति आपको स्वप्न दृष्टि कई, ये जरूरी नहीं सभी को मिल जाती है, किसी किसी को मिलती है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि उस सपने पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता, जब वो सो जाता है तब उसको अपने आप कोई भी सपना आ सकता है, वो अगले दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद का हो सकता है, 10 दिन बाद का हो सकता है। तो इसलिए ये पक्का नहीं होता कि वो सपना को क्या देखे, ये नहीं वो डिसाइड कर सकता कि मुझे इसी के बारे में सपना देखना है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जिनको ऐसे सपने, जैसे वो रात को कुछ सोच के सो गए कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ का मैंने कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, तो जैसे ही वो उस सोच को लेके सोएगा तो उससे रिलेटेड ही उसको सपना आ जाता है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से कहे नहीं मुझे ये सपना देखना है, मुझे उसका सपना देखना है, तो ऐसे पर्टिकुलर सपना नहीं आता। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, भी जो भी इंसिडेंट होने वाला है आप अपने मुताबिक कर लो, ऐसा नहीं। तो इस तरह से आपको हमने स्वप्न दृष्टि के बारे में बता दिया है। अगर आपको भी सपने आते हैं और वो सच होते हैं और कभी कभी आते हैं या रोज आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कैसा होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दें। अगर आपका कमेंट का जो भी आपका प्रश्न आप डालते हैं, हम उसका उत्तर अपने वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा
का सफर .blogspot.com। उसमें जाकर आप अपना उत्तर देख सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हम उसमें डाल देते हैं, एक दो दिनों बाद रोज डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।